यूपी के इस चुनावी लड़ाई में एआईएमआईएम पूरी ताकत से डटी हुई है। पार्टी चीफ ओवैसी सत्ताधारी बीजेपी के साथ साथ दूसरे दलों पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। आज ओवैसी के निशाने पर थे यूपी की बीजेपी सरकार। क्या कुछ कहा ओवैसी ने, देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में अब पांचवें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। यूपी चुनावों में इस बार एआईएमआईएम पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। अशरफुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाल रखी है। ओवैसी अक्सर केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार पर आरोपों के तीर छोड़ते रहते हैं। आज बाराबंकी पहुँचे एआईएमआईएम प्रमुख अशरफुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए उन्हें एक मामूली इंसान बताया। प्रधानमंत्री मोदी, आप एक मामूली इंसान हैं, अल्लाह या भगवान नहीं। इस देश में कई प्रधानमंत्री आए और चले गए, हम देश का नमक खाते हैं, बीजेपी या मोदी का नहीं। किसानों के खेत में जो छुट्टा जानवर घूमते हैं और फसलों को चट कर जाते हैं, उनके लिए क्या योजना है? इसका बखान जनता के सामने क्यों नहीं करते? नमक योगी या मोदी का नहीं है, हम लोग नमक से लेकर पानी जो भी खाते पीते हैं उसकी अदायगी करते हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी के निशाने पर आज समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी थी। ओवैसी ने कहा कि सपा चुनाव में भाजपा के जीतने का भय दिखाकर समाज के लोगों का वोट हासिल करती है, मगर सत्ता में बैठने के बाद सब भूल जाती है। सपा बसपा को मुसलमानों ने पिछले 2014, 2017 और 2019 में वोट किया, लेकिन सफलता बीजेपी को मिली। वहीं अपने पाले में वोट की अपील करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी सपा और बसपा से डरना नहीं, बल्कि जिस तरीके से हिजाब के समर्थन में एक मुसलमान लड़की ने नारा बुलंद किया, उसी तरीके से आप लोगों को भी अपना नारा बुलंद करने की जरूरत है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।